नमस्कार, एक्सप्रेस स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। रुक करते हैं खबरों की ओर। अगर आप छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में रहते हैं तो सावधान हो जाइए। दरअसल नगर निगम आपको गंदा पानी पिला रहा है, ऐसा हम नहीं बल्कि निगम द्वारा पानी के लिए लिए गए सैंपल बता रहे हैं। रायपुर में नगर निगम ने बीते दिनों पानी की 103 सैंपल लिए थे, वहीं अब जो जांच रिपोर्ट आई है उसमें 30 सैंपल फेल बताए गए हैं। जांच के दौरान पानी में बैक्टीरिया और पीलिया जैसे खतरनाक बीमारी फैलाने वाले जीवाणु पाए गए हैं। इधर जांच रिपोर्ट के बाद निगम आयुक्त ने इसके दोबारा जांच के आदेश दे दिए हैं। जानकारी के मुताबिक टंकी से सप्लाई होने वाला पानी दूषित नहीं पाया गया है, बल्कि जो बोरवेल से पानी आता है वो दूषित है। अब निगम इसमें सॉल्यूशन जो डलवा रहा है, अगर उसके बाद भी स्थिति नहीं सुधरती है तो फिर बोरवेल को बंद करने का फैसला नगर निगम ने किया। वहीं महापौर प्रमोद दुबे ने दावा किया है कि निगम के द्वारा जो पानी दिया जा रहा है वो शुद्ध है और जहां के सैंपल फेल हुए हैं वहां जांच की जाएगी। हम लोगों से आग्रह करते हैं कि अगर हमने पाइपलाइन डाल ली है तो वहाँ चेंज ऑफ कनेक्शन से अपने कनेक्शन भी वो चेंज करा लें, क्योंकि नगर निगम की जितनी पाइपलाइन बिछी हुई है सारे जगहों पर पानी शुद्ध जा रहा है। जहाँ बोर के सैंपल्स फेल हो रहे हैं आने वाले दिनों में उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। और आपको बता दें कि यहाँ पर रायपुर में अगर आप रह रहे हैं तो सावधान हो जाइएगा। और अधिक जानकारी से संबंधित जुड़ गए हेमंत शर्मा। हेमंत, यहाँ पर नगर निगम ही खुद लोगों को जहर पिला रहा है। देखिए, निश्चित तौर पर दीपक, क्योंकि कुछ दिन पहले ही जो पानी का सैंपल है वो लिया गया था, वो करीब 130 सैंपल में जो जांच के बाद जो रिपोर्ट आई है वो काफी चौंकाने वाले हैं, क्योंकि 110 में से जो 30 पानी के सैंपल है वो जांच में फेल हो गए हैं। खुद स्वास्थ्य विभाग ने वहां पर जाकर जांच की थी और इसके बाद जो नगर निगम के कमिश्नर है सी अनंत तायल, उन्होंने जांच का जो निर्देश है वो अधिकारियों को दे दिया है। इसके अलावा इसमें देखा जाए जो पानी का जो फेल हुआ है उसमें साफ तौर पर जो बैक्टीरिया है वो उस तरह के जो जीवाणु हैं वो उसमें पाए गए हैं। तो ये काफी चिंता का विषय है, क्योंकि राजधानी रायपुर में हर रोज लोगों के घर में पानी जाता है और ऐसे में इस तरह के जो फैल हो रहे हैं पानी के जो सैंपल है वो कहीं ना कहीं जरूर चिंता खड़ा करता है। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो इसमें शिवानंद तायल जो कमिश्नर है उनसे हमारी बातचीत हुई थी, उनका साफ तौर पर कहना था कि जो टंकी से पानी आती है उसमें दूषित जल की बात नहीं है, लेकिन जो बोरवेल से पानी जाता है घरों में, लोगों के घरों में वो पानी दूषित फेल हुआ था, तो अभी उसमें सॉल्यूशन डालकर प्रयोग यहाँ पर नगर निगम करेगी। अगर उसके पास भी स्थिति वही बनी रहती है तो जो बोरवेल्स हैं उसको बंद करने का फैसला नगर निगम करेगी। हेमंत, जहाँ पर महापौर प्रमोद दुबे का दावा है कि जिस तरह से नगर निगम के द्वारा पानी दिया जा रहा है वो साफ स्वच्छ पानी है, वो जो दावा कर रहे हैं वो कहाँ तक सही है? हेमंत, आपको रुकना चाहूंगा, हमारे साथ स्वयं महापौर जुड़ गए हैं प्रमोद दुबे जी। सर, स्वराज एक्सप्रेस में आपको बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन जिस तरीके से जो पानी के सैंपल आए हैं और 30 सैंपल फेल हुए हैं, ये दर्शाता है कि लोग दूषित पानी न जाने कब से पी रहे हैं और जो पानी उन्हें पिलाया जा रहा है वो जहर के समान है। ये कैसे पॉसिबल है कि एक फिल्टर प्लांट से जो पानी जा रहा है वो दूषित होगा? पूरे रायपुर शहर के 32 टंकियों में 210 एमएलडी पानी जा रहा है, जिसकी आप बात कर रहे हैं उसमें से 30 सैंपल में से लगभग 20 सैंपल बोर के पानी के हैं, उनकी कराई जा रही है। इसका मतलब ये नहीं कि बोर का पानी जो पी रहे हैं उसमें टर्बिडिटी की मात्रा या अगर कोई केमिकल डालना हो या प्रदूषित होगा तो निश्चित रूप से उसकी सफाई भी की जाएगी और उसमें कार्रवाई भी की जाएगी। ये जो पुराने सैंपल हैं तो बिल्कुल, लेकिन महापौर जी, इसकी जांच पहले क्यों नहीं की गई? नगर निगम के द्वारा जांच कराए गए हैं वो सैंपल नहीं है जी। लेकिन सैंपल तो सर है ना, अब नगर निगम कराए या फिर स्वास्थ्य विभाग कराए, सैंपल तो सर सही होंगे ना? देखिए साहब, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा फिल्टर प्लांट जो है वो ए ग्रेड का फिल्टर प्लांट है। आप ये सोचिए कि एक फिल्टर प्लांट से पूरी 32 टंकियों के माध्यम से पूरी पानी जाती है तो केवल 32 सैंपल फेल कैसे होंगे? और उसमें हमने पता लगवा लिया है उसमें से लगभग
22-25 सैंपल ऐसे हैं जो 1.5 महीने पुराने हैं, वो भी बोर के सैंपल हैं, नगर निगम के पानी का सैंपल नहीं है वो। कुछ ऐसे बोर हैं जिनको हमने आइडेंटिफाई किया है, जिसमें हमने उनसे आग्रह किया है घर वालों से इसमें कपड़ा धो लीजिए, आसपास में और भी अगर कोई दैनंदिनी के कार्य हैं वो कर लीजिए, लेकिन ये पेयजल योग्य नहीं है, ऐसा हमने कुछ बोर रखे हैं। तो जो जो नगर निगम पानी सप्लाई कर रहा है तो उसका दावा नगर निगम कर रहा है कि वो सुरक्षित और जो शुद्ध है बिल्कुल और सुरक्षित है लोगों के लिए 100%। चलिए प्रमोद जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, लगातार संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। जिस तरह से हेमंत, देखा जाए महापौर जी का कहना था कि जो नगर निगम के द्वारा दिया जा रहा पानी वो बिल्कुल स्वच्छ है और एक नंबर पानी है, लेकिन जिस तरीके से सैंपल फेल हुए हैं वो बोरवेल पर दोष मारा जा रहा है। अभी बोरवेल का पानी जो है वो गंदा है या फिर दूषित है और सैंपल में फेल हुआ है, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा फिर? देखिए दीपक, यही तो सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि जो महापौर प्रमोद दुबे हैं उनका अपना दावा है कि जो नगर निगम है वो शुद्ध पानी लोगों को दे रही है। अगर यहाँ रायपुर की मैं बात करूँ तो जो 32 टंकी है उसके माध्यम से यहाँ जो पानी सप्लाई है वो लोगों के घरों तक होता है, लेकिन इसके अलावा बोर जो बोरवेल होते हैं उसके माध्यम से भी हमने कई चौराहों और मोहल्लों पर देखा है कि जो बोरवेल के माध्यम से लोग वहां पर आकर पानी का इस्तेमाल करते हैं। तो अभी जो जांच की गई थी इसमें सभी को लिया गया था, हालांकि जो गंदा पानी पाया गया है वो बोरवेल का था। निगम के जो कमिश्नर है उन्होंने भी इस बात को स्वीकारा है कि जो दूषित जल है वो टंकियों का नहीं है बल्कि बोरवेल का है, लेकिन बोरवेल का भी है लेकिन उस वो जो पानी है वो घरों तक तो जा ही रहा है। बिल्कुल, लेकिन सब जी, लेकिन जिस तरह से हेमंत, वो पानी जा रहा है जहां नगर निगम पल्ला झाड़ रहा है कि हमारा हमारी तरफ से पानी बिल्कुल साफ जा रहा है, हम कुछ नहीं कर सकते, बोरवेल का पानी गंदा है, तो इसमें पी तो जनता ही रही ना उसको। हेमंत जी, देखिए जिम्मेदारी तय करनी होगी इसमें, क्योंकि कई बार ये नगर निगम और नगर निगम के कमिश्नर महापौर के बीच कई इसी बात को लेकर कई दफा विवाद भी हुआ था। जो पिछले कमिश्नर थे बंसल, उनके साथ भी ये तरह के विवाद उनके हुआ था, तालमेल वो बैठा नहीं पाते थे। हालांकि अब इसमें जिम्मेदारी किसकी तय होती है ये तो नगर निगम को ही तय करना है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है और नगर निगम से हम गुजारिश करते हैं कि ऐसे जो पानी है वो लोगों को ना पियाए, बेहतर तरीके से उसकी जांच हो, जांच के बाद ही इस तरीके जो पानी है वो लोगों को घर तक पहुंचाया जाए। बिल्कुल, मैं तमाम जानकारी के लिए जुड़ने के लिए शुक्रिया आपका। वो एक्सप्रेस